आपको बताते चले कि ताजा मामला निगासन का है, जहां पर सिंगाई रोड अंजलि हॉस्टल के नाम से संचालित हॉस्टल के संचालक पलात बिना डिग्री के चलाते हैं अवैध हॉस्टल। कुछ दिन पहले एक बेलवा परसवा निवासी महिला के मृत्यु हुई थी तथा आवाज करीगढ़ आरती देवी उम्र लगभग 25 वर्ष नवजात शिशु के झोला छाप डॉक्टर ने जान ले ली। डॉक्टरों की लापरवाही से अक्सर आए दिन होते रहते हैं ऐसे हादसे। चच्चा बच्चा की मौत के बाद हॉस्टल छोड़कर भागे डॉक्टर व कर्मचारी दो की मौत बाद परिवार के लोगों का रो रो कर हो रहा बुरा हाल। आखिरकार कब तक प्रशासन रहता है मौन? आखिरकार प्रशासन की तरफ से ऐसे अवैध हॉस्टल क्यों नहीं की जाती है कार्रवाई तथा कब तक भोले भाले मासूम जिंदगियां के साथ किया जाएगा खिलवाड़? क्या नोटों की हरी चमक के आगे मासूम की जिंदगियां महत्व नहीं है? देखिए फिर रिपोर्ट अंजलि सिंह के साथ। आपकी पत्नी की मौत हुई है, क्या कारण रहा है? क्या उपचार के वक्त क्या डिलीवरी वाला था? हम यहाँ लेकर आए, हमने इनसे कहा कि भाई अगर आपके बस का हो तो आप बताइए और ना बस का हो तो भाई हम आगे ले जाएं। तो इन्होंने हमसे कहा कि ठीक है हमारे बस का है, हम ऑपरेशन कर देंगे। और क्या दिक्कत थी? डिलीवरी वाला था। तो पैसे कुछ लिए उन्होंने? हाँ पैसे लिए। कितना पैसा लिए? पैसे बात हुई थी 28,000 रुपये की और अभी तक हमसे इन्होंने 11,000 रुपये लिए थे। किसने लिए थे? पहला सिंह। कौन है ये? ये डायरेक्टर हैं इस हॉस्पिटल के मालिक। क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि ये सीज हो जाए और वो जल्द हो जाए। कब भर्ती करवाया था हॉस्पिटल में? 25 तारीख को। क्या हुआ फिर वहाँ? उपचार हो रहा था? उपचार फिर वहाँ ये हुआ कि बच्चा का ऑपरेशन हुआ तो लड़का हुआ मगर वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद में हमने इनसे कहा कि भैया बस इलाज करने लगे, बाकी स्थिति दिन पर दिन जो है बिगड़ती गई। आज चौथा दिन हमने इनसे रोज कहा ऐसे कि भैया हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि आपके अगर बस का ना हो तो हमको जवाब दीजिए, हम कहीं भी करवा लेंगे इलाज। इन्होंने कहा आप टेंशन ना लो, हम ठीक कर देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी। तो आज मौत हो गई आपकी पत्नी की? जी, आज हमारी पत्नी बिल्कुल मर गई। तब इन्होंने हमसे जवाब दिया, इन्हीं की गाड़ी से हम लेकर गए, इन्होंने ही गाड़ी करवा कर दी हमको कि कैसे ये यहाँ से भाग गए।